सर्वा साधिके श्रणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों इष्टो जय जय किरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, पितरों की प्रसन्नता करने के लिए यह पर्व मनाया जा रहा है। बहुत शीघ्र देवपक्ष आने वाला है, शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर उपस्थित होने वाला है। तो साथियों इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि शारदीय नवरात्र जो कब होने वाली है, इस नवरात्र में आप किस दिन ध्वजारोहण करेंगे, किस दिन कलश स्थापन करेंगे, स्थापन का मुहूर्त क्या होगा, यही इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि शक्ति प्राप्त करने, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा से ही संसार चलता, ऊर्जा से ही आदमी चलता है। आप खाते हैं तभी चलते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। तो यह जो हमारा देवपक्ष होता है, नवरात्रियां होती हैं, इसमें आस्तिक जन, श्रद्धावान जन, भक्त जन देवी माता की उपासना करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग इसमें रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि शारदीय नवरात्र विशेष रूप से दुर्गा देवी के लिए, और बसंत नवरात्र में आप श्री भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा, ये आप रामचरितमानस इत्यादि का पाठ करें तो अच्छा अच्छा रहेगा। तो ये इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस शारदीय नवरात्र कब से शुरू है और कलश स्थापन कब है, घट स्थापन कब होगा। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों 15 अक्टूबर दिन रविवार, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को ये पितृपक्ष के जो समाप्ति के बाद जो हमारा जो ये देवपक्ष शुरू हो रहा है, इस दिन ये प्रथम देवी का प्रथम दिन होगा। तो साथियों इसमें देवी की प्रसन्नता करने के लिए कलश स्थापन करते हैं और अपने घरों में ध्वजा, मतलब कि झंडा इत्यादि लगाते हैं। तो घट स्थापन करने के विशेष मुहूर्त क्या दे रहे हैं हमारे पंचांग में लोग जो है, तो ये अभिजीत मुहूर्त में यदि आप कलश स्थापन करेंगे तो विशेष अच्छा रहेगा। तो ये अभिजीत मुहूर्त का समय क्या होगा, तो साथियों यह जो आपको जो मैं समय बता रहा हूँ, यह एक तरह से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से है। तो 11:38 से लेकर के 12:33 तक का जो समय होगा, यह हमारे अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। यदि आप हमारे दर्शक, यदि आप बनारस से पूर्व में रहते हैं तो इसमें कुछ समय कम कर लीजिए, 11:38 से आप 30-35 ऐसे जैसे चलते जाएंगे उसे थोड़ा दो चार मिनट कम करते रहेंगे। और जो बनारस से जो पश्चिम में है उसी तरह 1-2 मिनट घटाते बढ़ाते आप दिल्ली तक पहुंचते पे 10-12 मिनट करके अंतर कर लेंगे। तो यह जो है कि वो दिल्ली के आसपास जितने क्षेत्र होंगे उसमें वही समय काउंट होगा। तो यह अभिजीत मुहूर्त का काल ज्ञात हो जाएगा आपको, और इसी समय आपको कलश स्थापन करना चाहिए, ध्वजारोहण करना चाहिए। और साथियों देवी जी को प्रसन्न करने के लिए आप उनके केशों के की सजावट करने के लिए आपको त्रिफला है, तेल है, आंवले का तेल है, जो भी सुगंधी तेल आप समझे चाहें कंघी अर्पण करें केश को पवित्र करने के लिए। बाल मतलब ये त्रिफला, आंवला, त्रिफला में सब कुछ आ जाता है, सुगंधित तेल इत्यादि, चंदन ये इत्यादि उनको अर्पण करें और कंघी अर्पण करें। तो यह आपके इससे देवी माता प्रसन्न होंगी, आपका कल्याण करेंगी। तो मैंने यह छोटी सी एक जानकारी आपको दिया शारदीय नवरात्र के विषय में। यदि आप हमारे चैनल पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।